लास्ट लेक्चर में क्या कवर किया था, कैश बुक, कि कैश बुक क्या होता है और उसके टाइप्स कितने होते हैं, ये हमने कवर कर लिया था, जिसमें हमने समझा था कि हमारी कैश बुक के चार टाइप्स होते हैं, सिंगल कॉलम, डबल कॉलम कैश बुक, ट्रिपल कैश बुक एंड पैक्टी कैश बुक। हमने ये चारों कर लिए थे, इनका प्रैक्टिकल भी हमने कवर कर लिया था। होपफुली ये सभी को समझ आ गया होगा। अगर किसी भी स्टूडेंट को इसमें कोई भी डाउट है तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने डाउट को क्लियर कर सकता है, क्योंकि अगर आपको प्रीवियस लेक्चर का कोई भी टॉपिक अगर नहीं आता तो आपको नेक्स्ट आगे स्टेप पे टैली में प्रॉब्लम आएगी ही आएगी, क्योंकि टैली का जो हर एक नेक्स्ट स्टेप होता है वो प्रीवियस स्टेप से लिंक्ड होता है। तो आज मैं आपको क्या करवाने वाली हूँ, ट्रायल बैलेंस। हमने कैश बुक कवर कर लिया, तो कैश बुक के बाद हमारा कैश बुक भी हो चुका है, सब्सिडरी बुक्स भी हो चुका है, जर्नल वाउचर एंट्रीज भी हो चुकी हैं और लेजर्स भी हमारे कंप्लीट हैं। जो आज हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस क्या होता है? एक वो बैलेंस शीट, एक वो स्टेटमेंट जिसके अंदर हमें अपने सभी लेजर्स के बैलेंसेस को लिखना होता है। ट्रायल बैलेंस कुछ भी नहीं होता, एक स्टेटमेंट होता है बस, एक वो स्टेटमेंट जिसके अंदर सभी लेजर्स के दो टाइप के बैलेंस होते हैं, डेबिट और एक क्रेडिट, और वो हम किस में मेंशन करते हैं, ट्रायल बैलेंस में। कहता इट इज द लिस्ट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेज ऑफ ऑल द लेजर अकाउंट्स, इट इज प्रिपेयर टू चेक द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट। इसको क्यों बनाया जाता है? बुक्स की एक्यूरेसी को चेक करने के लिए इसे बनाया जाता है कि हमारी बुक सही बनी है या फिर नहीं बनी। आफ्टर द कम्प्लीशन ऑफ जर्नल, यानी कि जर्नल के बनने के बाद, सब्सिडरी बुक के बनने के बाद, लेजर बनने के बाद क्या बनाया जाएगा? ट्रायल बैलेंस फॉर अर्थमेटिकल एक्यूरेसी। इट कंटेन्स द बैलेंसेस ऑफ ऑल द लेजर अकाउंट्स, इसके अंदर लेजर के सभी बैलेंसेस होते हैं। इट इज जस्ट ए स्टेटमेंट, ये एक स्टेटमेंट होती है, नॉट एन अकाउंट, सिर्फ स्टेटमेंट। नेक्स्ट है इसका फीचर, इट इज प्रिपेयर टू चेक द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। इसका प्रिपेरेशन क्यों किया जाता है? ताकि हम एक्यूरेसी को चेक कर सकें। इट कैन बी प्रिपेयर्ड एट एनी टाइम, एनी मंथ, एनी क्वार्टर, एनी हाफ ईयर और एनी ईयर। इट इज प्रिपेयर्ड ऑन ए पर्टिकुलर डेट, ये एक पर्टिकुलर डेट पर बनाया जाता है, नॉट ऑन ए पर्टिकुलर पीरियड। इसका कोई भी बनाने का पीरियड नहीं होता। पीरियड का मतलब है कि एवरी ईयर, साल में एक बार, ऐसा कोई भी रिलेशन नहीं है इसका। तो दैट्स वाई इसको हम कभी भी बना सकते हैं, जब भी हमारे पास अपने लेजर के बैलेंसेस हैं तो हम इसे प्रिपेयर कर सकते हैं। इट इज प्रिपेयर्ड ऑन ए पर्टिकुलर डेट, नॉट ऑन ए पर्टिकुलर पीरियड। इट इज प्रिपेयर टू चेक द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ ऑल द लेजर्स, कैश बुक एंड सब्सिडरी बुक्स। वट आर द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रायल बैलेंस? पेपर में मोस्ट ऑफ DCAA कोर्स में पूछा जाता है वट इज ट्रायल बैलेंस एंड वट आर द फीचर्स ऑफ ट्रायल बैलेंस। ये पॉइंट हमने कवर कर लिया है। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होता है, सेकेंड क्वेश्चन, समटाइम ये भी पूछा जाता है कि वट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रायल बैलेंस। तो सबसे फर्स्टली मेन ऑब्जेक्टिव होता है टू चेक द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट। सभी बुक्स ऑफ अकाउंट्स की एक्यूरेसी को चेक करना ही हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ट्रायल बैलेंस का रहेगा। इट इज प्रिपेयर टू हेल्पफुल फॉर द डिटेक्शन ऑफ एरर्स। डिटेक्शन ऑफ एरर्स का मतलब होता है गलतियों का पता लगाना। डिटेक्शन ऑफ एरर्स का मतलब होता है गलतियों का पता लगाना। इट कंटेन्स द समरी ऑफ ऑल द लेजर अकाउंट्स। जितने भी हम लेजर प्रिपेयर करते हैं उनकी समरी होती है। समरी का मतलब होता है सभी लेजर्स का बैलेंसेज ही होता है इसके अंदर। इट इज हेल्पफुल इन द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनल अकाउंट्स और द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ट्रायल बैलेंस के बाद ही, ट्रायल बैलेंस की हेल्प से ही हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाया जाता है। वट आर द मेथड्स ऑफ ट्रायल बैलेंस? देयर आर टू मेथड्स ऑफ ट्रायल बैलेंस, टोटलिंग मेथड एंड बैलेंसिंग मेथड। हमारे पास ट्रायल बैलेंस के कितने मेथड्स होते हैं? दो मेथड्स होते हैं। हमने ऑब्जेक्टिव्स कवर कर लिए हैं, अब मेथड्स कवर करेंगे हम। मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, देयर आर टू मेथड्स, वन इज द टोटलिंग मेथड एंड अदर इज बैलेंसिंग मेथड। ट्रायल बैलेंस को बनाने के दो मेथड, जैसे कि पहले आता है हमारा टोटल मेथड,
टोटल मेथड क्या होता है? एक वो मेथड जिसके अंदर ट्रायल बैलेंस में, जब हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तो सभी अकाउंट्स के बैलेंसेस लिखने के बाद, सभी लेजर अकाउंट्स के बैलेंसेस लिखने के बाद, दे आर टोटल टोटल सभी बैलेंसेस लिखने के बाद डेबिट बैलेंस हो गए, क्रेडिट बैलेंस दोनों का हमने क्या किया टोटल, द टोटल्स आर बोथ इक्वली, डेबिट और क्रेडिट कॉलम में जो टोटल किया हमने इक्वल, द डेबिट बैलेंस इज इक्वल टू द क्रेडिट बैलेंस, इसको कहते हैं हम टोटलिंग मेथड। जब हमारा ये टोटल हो जाता है, इसका मतलब है हमारा कोई भी एरर डिटेक्ट नहीं हुआ, कि हमें कोई भी एरर पता नहीं चला है। तो ये था हमारा टोटलिंग मेथड। नेक्स्ट आता है बैलेंसिंग मेथड। बैलेंसिंग मेथड में क्या होता है, जो लेजर के क्लोजिंग बैलेंसेज होते हैं वो हमने डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस में एंटर कर दिए हैं। कहता जो डेबिट साइड का टोटल किया हमने और वो क्रेडिट साइड का जो टोटल किया, दोनों का बैलेंस इक्वल नहीं हुआ, देर इज सम एरर, वो एरर पता नहीं किस चीज का है, उसे कहते हैं हम बैलेंसिंग मेथड। जब डेबिट और क्रेडिट दोनों इक्वल हो जाते हैं तो टोटलिंग मेथड, जब दोनों इक्वल नहीं होते हैं तो बैलेंसिंग मेथड रहेगा आपका। क्लियर है? नेक्स्ट क्या आता है, अगर हमारा एरर है तो हम उस एरर को कैसे सही करेंगे। सबसे पहली केस क्या रहेगा, व्हेन द डेबिट कॉलम या डेबिट बैलेंस इज लेस देन क्रेडिट बैलेंस। एग्जांपल के लिए क्रेडिट का बैलेंस आपके पास 2000 आता है, डेबिट का बैलेंस 1600 आता है, मतलब कितना कम है उससे, 2000 माइनस 1600 400 रुपए कम है। जब डेबिट साइड का बैलेंस जितने से भी कम है उतना ही बैलेंस हमेशा, डेबिट बैलेंस जितना भी कम है हमेशा उसे किस बैलेंस में लिखेंगे आप, किस अकाउंट में लिखेंगे आप, सस्पेंस अकाउंट, उसे हमेशा सस्पेंस अकाउंट में ही रिकॉर्ड किया जाता है। नेक्स्ट केस आता है, अगर आपके पास क्रेडिट बैलेंस कम है तो आप किस में लिखेंगे बैलेंस। जब भी आपका क्रेडिट बैलेंस कम आता है तो आपको क्वेश्चन में कैपिटल भी गिवन है, यदि आपका क्रेडिट बैलेंस कम आता है और क्वेश्चन में आपको कैपिटल गिवन है तो आप उसे किस में रिकॉर्ड करेंगे, सस्पेंस अकाउंट में। इफ अगर आपको क्वेश्चन में कैपिटल गिवन नहीं है तो आप उस बैलेंस को किस में लिखेंगे, कैपिटल में, क्योंकि जब कैपिटल गिवन नहीं है तो सस्पेंस में, कैपिटल गिवन नहीं है तो आपको कैपिटल अकाउंट में लिखना, और कैपिटल गिवन है तो आपको किस में लिखना है, सस्पेंस अकाउंट में लिखना है। ये था हमारे टोटलिंग मेथड और बैलेंसिंग मेथड से ट्रायल बैलेंस को बनाने का तरीका। अब नेक्स्ट आता है रूल्स ऑफ ट्रायल बैलेंस। अगर हम ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं तो किस बैलेंस को हमें डेबिट करना होता है और किस बैलेंस को हमें क्रेडिट करना होता है। सबसे पहले कोई भी एसेट्स का बैलेंस होता है वो डेबिट रहेगा, कोई भी लायबिलिटीज का बैलेंस रहेगा वो क्रेडिट रहेगा। एक्सपेंसेस हैं तो डेबिट रहेंगे, इनकम है तो क्रेडिट रहेगा, ड्रॉइंग्स हैं तो डेबिट रहेंगे, कैपिटल है तो क्रेडिट रहेगा। नेक्स्ट आता है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक है तो डेबिट रहेगा। क्लोजिंग स्टॉक को कभी भी ट्रायल बैलेंस में शो नहीं किया जाता, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ करंट ईयर, अगर इसी साल का हमें क्लोजिंग स्टॉक दिया हो तो हम उसको नहीं लिखते। परचेजेस हैं तो डेबिट रहेंगी, परचेज रिटर्न है तो क्रेडिट, सेल्स हैं तो क्रेडिट रहेंगी, सेल रिटर्न है तो डेबिट रहेंगी। रूल क्या है, तीन रियल रूल हमने किए हुए हैं, वो रूल्स को भी आप फॉलो करके अपने ट्रायल बैलेंस को बना सकते हैं। मैं आपको एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन ट्रायल बैलेंस का करके दिखा रही हूँ। वैसे तो ट्रायल बैलेंस हमें टैली में करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जो ट्रायल बैलेंस होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट ही अपना अपने आप आपका बन जाता है। ट्रायल बैलेंस हमेशा टैली में अपने आप बनता है, जब आप वाउचर एंट्रीज करते हैं तो ट्रायल बैलेंस बाय डिफ़ॉल्ट साथ साथ अपने आप बनता रहता है। बट अगर हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करना चाहते हैं, ओनली ट्रायल बैलेंस बनाकर देखना चाहते हैं बिना किसी वाउचर एंट्री के, तो मैं आपको वो ट्रायल बैलेंस बनाना सिखा रही हूँ। सबसे पहली बात, कभी भी ट्रायल बैलेंस में आपको क्लोजिंग स्टॉक नहीं लिखना है, ओनली ओपनिंग स्टॉक लिखना है, क्योंकि अगर हम क्लोजिंग स्टॉक लिखेंगे तो उससे हमारा बैलेंस मैच नहीं होता। आपको सबसे पहले क्या करना है, पहले चेक करें, देखें डिस्प्ले पर जाकर ट्रायल बैलेंस आपको शो हो रहा है। आपको ट्रायल बैलेंस में बैलेंस शो हो रहा है, एक तो कैश इन हैंड क्योंकि ये हमने ओपनिंग बैलेंस फिल किया हुआ है, एक बैंक का, तो पहले मैं इसको ही कर रही हूँ रिमूव। ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए कॉपी पर डेट
नेम ऑफ अकाउंट्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट लिखना होता है। तो आइए हम करते हैं आज अपना एक प्रैक्टिकल, जिसमें सबसे पहले मुझे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट के बैलेंस को फिल करना है मुझे। सबसे पहले हम अकाउंट्स इन्फो पर जाएंगे। अकाउंट्स इन्फो पर जाने के बाद हमें लेजर्स पर जाना है। हम लेजर क्रिएट कर रहे हैं किस चीज़ का, बैंक ओवरड्राफ्ट का, जिसका बैलेंस मेरे पास 85,000 है। तो मुझे बैलेंस क्या फिल करना है, 85,000 बैंक ओवर ड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट एक लाइबिलिटी होती है, इसलिए इसका बैलेंस आपके पास क्या रहेगा, क्रेडिट रहेगा। कितना बैलेंस आपको क्रेडिट करना है, 85,000। बाय डिफॉल्ट देखो ये आपको पास क्रेडिट में आ रहा है, तो आपको क्रेडिट ही रखना है। नेक्स्ट आपके पास क्या आता है, सेल्स। सेल्स का लेजर आप किस में बनाएंगे, सेल्स में। आपको कितना बैलेंस फिल करना है, 8,10,000। सेल्स हमेशा क्रेडिट होता है, तो मैंने क्रेडिट ही रखा। नेक्स्ट आता है परचेजेस रिटर्न। परचेज रिटर्न का लेजर आपको किसके अंडर बनाना है, परचेज अकाउंट के अंडर। आपने ओपनिंग बैलेंस फिल करना है, 22,500। नेक्स्ट आता है परचेजेस। आपका ओपनिंग बैलेंस कितना रहता है परचेजेस का, 4,45,000। कैश इन हैंड, कैश इन हैंड का लेजर बनेगा कैश इन हैंड में, जिसका बैलेंस आपके पास 8,500 है। क्रेडिटर्स में 2,15,000 आएगा। जो कि आपका सन्ड्री क्रेडिटर रहेगा, आपके पास बैलेंस कितना है, 2,15,000 क्रेडिट में। उसके बाद है डेटर्स। डेटर्स का लेजर सन्ड्री डेटर्स में ही बनता है। फोर्थ लैक 500 डेबिट में रहेगा। वेजेस 96,000। जो वेजेस होती हैं वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। वेजेस का लेजर आपको डायरेक्ट एक्सपेंसेस में ही बनाना है। जितने का आपका बैलेंस है, आपको बैलेंस को फिल करेंगे 96,000। कैपिटल का बैलेंस आपके पास दिया हुआ है 1,587। कैपिटल का बैलेंस आपके कैपिटल लेजर में ही आएगा। कितना बैलेंस आपको कैपिटल का दिया हुआ, 158,750। सेल रिटर्न 15,750। सेल्स रिटर्न, सेल रिटर्न का लेजर सेल्स में बनेगा 15,750। इक्विपमेंट 25,000। इक्विपमेंट हमारे फिक्स्ड असेट्स होते हैं। डेबिट बैलेंस नेक्स्ट है ओपनिंग स्टॉक 3,500। ओपनिंग स्टॉक का लेजर स्टॉक इन हैंड में बनेगा। आपको अगर सेल रिटर्न देखना है, देखिए मैंने इसका बैलेंस, सेल्स रिटर्न का बैलेंस, बैलेंसेस फिल आउट कर लिए हैं।
हम जो अब रिपोर्ट देखने वाले हैं ट्रायल बैलेंस डिस्प्ले में जाकर आपको ट्रायल बैलेंस पर क्लिक करना है ओल्ट एफ वन। जैसे ही देखो मैंने ओल्ट एफ वन प्रेस किया, कैपिटल का बैलेंस देखिए आप क्रेडिट में है, बैंक ओडीआर भी क्रेडिट में, क्रेडिटर्स भी क्रेडिट में, इक्विपमेंट्स डेबिट में, ओपनिंग स्टॉक डेटर्स कैश इन हैंड तीनों डेबिट है। नेक्स्ट है सेल्स, हमारी सेल रिटर्न एक क्रेडिट है और एक डेबिट है, परचेजेस हमारी क्रेडिट है, परचेज रिटर्न भी हमारी क्रेडिट है, परचेजेस हमारे डेबिट है, वेजेस हमारे डेबिट है और ओपनिंग बैलेंस का 3,05,000 रुपीज है। तो नीचे देखें आपका बैलेंस दोनों क्या आ चुके हैं, डेबिट का भी और क्रेडिट का भी इक्वल आ चुका है। इसका मतलब है कि हमारे कोई भी एरर्स नहीं आया, ये टोटलिंग मेथड से हमने क्वेश्चन किया है, ऐसे ही बैलेंसिंग मेथड से भी क्वेश्चन होगा, बट जो भी बैलेंसिंग फिगर बचेगी उसमें आपको सस्पेंस अकाउंट क्रिएट करना होगा और जितना भी आपका एरर होगा वो सस्पेंस अकाउंट से आपको उस एरर को खत्म करना है। ये था हमारा ट्रायल बैलेंस, आप इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिकल क्वेश्चंस गूगल से लेकर करके देख सकते हैं प्रैक्टिस, बिकॉज ट्रायल बैलेंस बहुत ज़्यादा जरूरी है सिलेबस में और ये DCAA के कोर्स में, CCCA कोर्स में दोनों में इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता भी है। होपफुली ये सबको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ जिसमें हम अपना नेक्स्ट लेक्चर कवर करेंगे। थैंक यू सो मच। अगर किसी भी स्टूडेंट को डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके वो अपने डाउट को क्लियर कर सकता है। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन माई चैनल।